अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम यूनिट नंबर 19 के जो है दैट इज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स या जिसको आप बायोकेमिस्ट्री कहते हैं उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड है पूरे के पूरे चैप्टर के ऊपर। इसमें हमारे पास 45 एमसीक्यूज हैं जो कि हम इस एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए इससे पहले, उसकी वीडियो अगर आपने देखनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वो भी लाजमी देखें क्योंकि उसमें जो एमसीक्यूज थे वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट थे एज़ पर द एमडीकैट। ये जो एमसीक्यूज हैं ये भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इससे अच्छे जो हैं वो दूसरे वाले एमसीक्यूज थे जिसमें सिर्फ हमारे पास 20 एमसीक्यूज थे जो मैंने शेयर किए थे आपके साथ। इसके अलावा जो किप्स एकेडमी है, बाकी की जो एकेडमीज़ हैं उनके एमसीक्यूज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तकरीबन तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे इस तरह एक्सप्लेनेशन के साथ, एमडीकैट 2022 और एमडीकैट 2023 के नेम से दो प्लेलिस्टें बनी हुई जिसके अंदर सारे के सारे केमिस्ट्री के हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैं ये वाले एमसीक्यूज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, मतलब आई डोंट चार्ज एनी फ़ी, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है अगर हम इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी उसका फ़ायदा मिले। अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते तो वीडियो को जस्ट सिर्फ लाइक कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे तो फेसबुक पर हमारी वीडियो चल रही होती हैं, यूट्यूब जो है ये हमारी वीडियोस खुद प्रमोट करेगा। एनीवेज लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू डैश। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, आपको पता है ना कि जो प्रोटीन्स हैं इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शियरी भी होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी होता है, चार टाइप के स्ट्रक्चर इसके होते हैं। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस बना लेते हैं। अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, एक साइड पे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, ये इस तरह, या जिसको आप केमिस्ट्री में इस तरह लिखते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस तरह पढ़ाया जाता है। दूसरी साइड पर हमारे पास एमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, एमाइड ग्रुप होता है NH2। अब ये जो है ये एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, लाइक इस साइड पे अब क्या बनेगा, इस साइड पे हमारे पास ये NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसके साथ क्या है, कार्बन कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ग्रुप होता है। अमीनो एसिड में याद रखें कि दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक बेसिक ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है, एसिडिक ग्रुप है। अब इसमें से ये होता है कि OH ग्रुप यहाँ से निकल आता है, H ग्रुप यहाँ से निकल आता है, और इसका मतलब यहाँ से वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है। जब वाटर लॉस्ट हो जाता है तो वाटर लॉस्ट हो जाने के बाद हमारे पास होता है क्या है कि इस ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है विद ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ, इधर नाइट्रोजन के साथ। इस तरह मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पहले हमारे पास NH2 है तो हम ये लिख लेते हैं, इसके साथ यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिर हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ये OH तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये बॉन्ड किसके साथ बनेगा, नाइट्रोजन के साथ। इस तरह बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ, एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे क्या है, ये कार्बन है, और फिर इसके साथ हाइड्रोजन अल्काइल, और अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच्ड होता है। तो अब ये जो लिंकेज बन गई है, इसको आप क्या कहते हो, ये जो लिंकेज बन गई कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो लिंकेज बन गई है, इसको क्या कहते हो, दैट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और यही हमारे पास होता क्या है कि एक स्ट्रेट चेन होती है और ये हमारे पास डिटरमाइन कर रही होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ चेन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। 3D स्ट्रक्चर जो है ये हम पढ़ते हैं इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, और अल्फा बीटा शीट जो है सेकेंडरी के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं, कॉइलिंग एंड फोल्डिंग जो है ये हमारे पास सेकेंडरी। तो बाकी जो है ये मैं डिटेल के साथ आगे एमसीक्यूज़ जो हैं उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 2 हमारे पास है कि थर्ड ऑर्डर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑर्डर हमारे पास होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड ऑर्डर हमारे पास होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फोर्थ जो है दैट इज़ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो थर्ड ऑर्डर हमारे पास बात कर रहा है जो टर्शियरी प्रोटीन्स है। तो टर्शियरी प्रोटीन्स में देखें क्या चीज़ होती है, वी हैव थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वी हैव थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टर्शियरी जो है 3D स्ट्रक्चर, ये कौन सा होता है, दैट इज़ द थर्ड ऑर्डर, या जिसको आप टर्शियरी कहते हो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 3,
सेकेंड ऑर्डर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर रेफर्स टू. अब सेकेंड ऑर्डर कौन सा होता है? सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेंगे दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बेंडिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर जिग जैग कॉइलिंग हो जाती है. ठीक है, जिग जैग कॉइलिंग हो जाती है, कॉइलिंग ऑफ जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे इसकी जिग जैग बेंडिंग हो जाती है. सो ये हमारे पास जिसका राइट ऑप्शन बनेंगे दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. सो यहाँ पे क्या होती है कि जिग जैग या कॉइलिंग हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन की. ठीक है, किस चीज़ की? पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स हैं उनकी जिग जैग रेगुलर कॉइलिंग और जिग जैगिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अकर. ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि इनमें ये जो जिग जैग होती है इसकी वजह क्या होती है? बिकॉज देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. सॉरी, मैं थोड़ा सा इसके अंदर कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि मैं मेरे जहन में ये थ्री डी जो है वो जहन में आ रहा था. एनी वेज, यहाँ पर क्या होती है कि रेगुलर कॉइलिंग या जिग जैग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन व्हाट? बिटवीन एन एच एंड सी डबल बॉन्ड ओ. ये जो हमारे पास, ये जो आपको मैंने बना के दिया पहले एम सी क्यू के अंदर, यही इसके अंदर होती है. तो राइट ऑप्शन जो बनेगा इसका, बेंडिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, एल्बुमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स आर डिफाइंड एज डैश. अब एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स जो हैं ये कौन से क्लास से बिलोंग करती हैं? क्या ये डेराइव प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है या फिर ये सिंपल प्रोटीन्स हैं? सो इसके अबाउट याद रखें कि दे बिलोंग्स टू द सिंपल प्रोटीन. सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है यहाँ पे राइट ऑप्शन है. एल्बुमिन्स हो गए और ग्लोबुलिन्स हो गए हमारे पास क्या हैं? दीज आर द सिंपल प्रोटीन्स. और सिंपल प्रोटीन्स के अबाउट याद रखें कि 30-35% जो बॉडी की प्रोटीन्स है वो यहीं पे इसी की वजह से बनते हैं. ठीक है, यही सिंपल प्रोटीन्स होते हैं. जिसका मतलब है कि सिंपल प्रोटीन्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं. ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स जो है वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं विद इन द बॉडी. और इनके फंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ जहाँ पे हैं वहाँ पे कनेक्टिंग कर रहे होते हैं. ऑप्शन नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है कि इन प्रोटीन्स द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स आर एग्जांपल ऑफ डैश. अब ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? सो दे आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है. बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसके मैंने ट्रिपल स्टार लगा दिया. तो मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है कि द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? सो दैट इज़ द कोलेजन. ठीक है, कोलेजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है, हिंस ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इज ऑफन कैरेक्टराइज बाय डैश. डीनेचरेशन मीन्स कि जब प्रोटीन जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो छोड़ देता है. ठीक है, अपनी जो उसकी रेगुलर एक्टिविटी होती है वो छोड़ देता है, तो इसका मतलब वो डीनेचर हो गया और वो ख़राब हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने उसका पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया. तो इस वजह से क्या होते हैं फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं अपना जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है. सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अकर. नंबर 8 हमारे पास है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैटेगरी ऑफ प्रोटीन बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन. अब प्रोटीन्स जो हैं इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये जेनेटिक भी होता है, ये हमारे पास रेगुलेटरी भी होता है और ये हमारे पास स्ट्रक्चरल भी होता है. लेकिन ये जो न्यूक्लियो है दिस इज़ नॉट द कैटेगरी ऑफ प्रोटीन. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा कि दिस इज़ नॉट द कैटेगरी ऑफ प्रोटीन. बाकी जो है जेनेटिक है, जैसे हम आगे लेटर ऑन पढ़ने वाले भी हैं कि जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन है. ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स का ये फंक्शन है कि ये जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जीन्स है ना, जीन्स क्या करते हैं, जीन्स का फंक्शन ये होता है कि पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं उनके ऑस्प्रिंग जो होती है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं. तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन ही कर रहा होता है. ठीक है, इसका मतलब है कि ये जेनेटिक भी हो सकते हैं और इसी तरह रेगुलेटरी भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल भी. अभी आगे हम पढ़ने वाले हेमोग्लोबिन, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन कैरिंग उसकी एबिलिटी होती है. तो ये सारे के सारे होते हैं क्या हैं, दीज आर एक्चुअली द प्रोटीन्स. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स. अब कहता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सारे प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. तो याद रखें कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सब के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन सल्फर जो है ये सब के अंदर लाजमी नहीं है कि प्रेजेंट हो. सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन.
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय डैश। अब प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस वजह से स्टेबलाइज होता है, उसमें देखें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इनको नियर बाय मिलता है क्या कहते हैं हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हाइड्रोजन मिलता है तो उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो स्टेबल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है कि एंजाइम्स आर डैश। अब एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स, डेराइव्ड प्रोटीन्स या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेंगे दैट इज़ डेराइव्ड प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, कि जितनी भी एंजाइम्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू द डेराइव्ड प्रोटीन। इसी तरह हमारे पास जो पेप्टोन्स हैं, ठीक है, पेप्टोन्स हो गए, ओलिगो पेप्टाइड्स, आप लोगों ने इसके नेम सुने होंगे, ठीक है, और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स, ये सारी की सारी क्या हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डेराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं। सो प्रोटीन्स जो हैं दे आर डेराइव्ड प्रोटीन्स, सो ऑप्शन नंबर एंजाइम्स जो हैं दीज आर द नॉट प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो हैं दीज आर द डेराइव्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप आर डैश। अब प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन से वाला हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए के हेलिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन्स, नॉन प्रोटीन पार्ट्स इन कंपाउंड ऑफ प्रोटीन, सल्फर कंटेनिंग, ये तो सल्फर तो नहीं हो सकता, साइट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में से जो बनेंगे दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, नॉन प्रोटीन पार्ट इन कंपाउंड प्रोटीन्स, ठीक है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या कहते हो, दैट इज़ द प्रोस्टेटिक ग्रुप। प्रोटीन कौन सा होता है ये आगे मैं बताने वाला हूँ कि ये कौन से वाला हो सकता है, ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो एंड पे मैं आपसे पूछूंगा कि कोई सवाल अगर आपका रहता है या ऐसी कोई चीज़ जो मैं कहूँ कि आगे बता रहा हूँ और वो ना बताई हो तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है कि लैक्टोग्लोबुलिन इज़ फाउंड इन डैश। अब लैक्टोग्लोबुलिन हमें कहाँ पे मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन मसल और इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के मसल्स में और इसी तरह प्लांट्स में ये मौजूद होते हैं, और ये जो लैक्टोग्लोबुलिन है ये होते हैं सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है, दे बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्रोटीन्स जो कि कौन से हैं, सिंपल प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है, एन एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रोटीन इज डैश। अब सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल हमसे पूछ रहा है, सो दैट इज़ द ग्लोबुलिन, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ग्लोबुलिन जो है इसके अबाउट याद रखें कि दैट इज़ द सिंपल प्रोटीन। इसी तरह लैक्टोग्लोबुलिन जो है ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी सिंपल प्रोटीन है। इसके अलावा जो आपको नज़र आ रहे हैं लिपोप्रोटीन, लैक्टिन और हमारे पास कोलेस्ट्रोल है, ये क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड प्रोटीन्स। कंपाउंड को आप दूसरा नाम क्या देते हो, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स है या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। एमसीक्यू नंबर 15 हमारे पास है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हेल्प प्रोटीन टू डैश। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स की क्या मदद कर सकता है, स्ट्रक्चर इसकी मदद कर सकता है टू बी इन अ प्रॉपर शेप, ये बिल्कुल ठीक है, अटैच सबस्ट्रेट, यस ये भी ठीक है, ये नहीं ठीक, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है परफॉर्म इट्स फंक्शन। सो ए और बी ये दोनों ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट ऑप्शन है कि जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इट हेल्प्स प्रोटीन्स टू बी इन इट्स प्रॉपर शेप एंड देन परफॉर्म इट्स फंक्शन। नंबर 16 हमारे पास है, द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। अभी इससे पहले आपको मैंने बताना है कि नॉन प्रोटीन जो है वो प्रोस्टेटिक ग्रुप हो गया, तो प्रोटीन कंपोनेंट हमारे पास कौन सा हो सकता है, सो दैट इज़ द एपो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो प्रोटीन कंपोनेंट है हिस्सा, कंपोनेंट कहते हैं हिस्से को, प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है दैट इज़ द एपो एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 है, आयरन पॉजिटिव 2 इज़ अ को फैक्टर फॉर डैश। अब आयरन पॉजिटिव 2 किस का को फैक्टर है, सो दैट इज़ फॉर क्रोम ऑक्सीडेज, हिंस ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, क्रोम ऑक्सीडेज के लिए जो फैक्टर होता है दैट इज़ आयरन पॉजिटिव 2। इसी तरह हमारे पास बाकी को फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास है जिंक, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक आयन है, आयरन भी इनऑर्गेनिक आयन है, सो दैट इज़ फॉर द कार्बोनिक इनहाइड्रेस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जिंक पॉजिटिव 2 इसके लिए होता है, कार्बोनिक इनहाइड्रेस का को फैक्टर होता है। इसी तरह जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है, इसके लिए जो हमारे पास मेटल है दैट इज़ मैग्नीशियम विद पॉजिटिव
टू चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 18 है कि एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। अब एंजाइम की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है? एंजाइम की क्लासिफिकेशन बेस्ड है टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज के, कौन सा ऐसे रिएक्शन है जो कि ये कैटलाइज कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे इसके सिक्स डिफरेंट क्लासेज हैं। ठीक है, सिक्स डिफरेंट क्लासेज हैं जिसमें हमारे पास ट्रांसफेरेजेज है, लाइज है, हाइड्रोलेज है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ट्रांसफेरेजेज है और आइसोमेरेजेज है। सो ये सिक्स डिफरेंट टाइप्स हैं। अब 19 के अंदर है डीहाइड्रोजिनेज इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। अब ये डीहाइड्रोजिनेज किसकी एग्जांपल है ये हमसे पूछ रहा है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का काम कौन करता है? दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। और इसमें से इसकी एग्जांपल कौन सी है? दैट इज डीहाइड्रोजिनेज। इसी तरह ऑक्सीडेज हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेज हो गया, डिहाइड्रोजिनेज हो गया, पर ऑक्सीडेज हो गया, पर ऑक्सीडेज, ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज की। और इन सब का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 20, द एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक फॉस्फेट आर कार्ड। अब ऐसा एंजाइम जिसका ये काम होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसको एक्सचेंज कर रहा होता है, ठीक है, एक जगह से ले जाता है दूसरी जगह पे, उसको अटैच कर देता है, तो उस एंजाइम को आप लोग क्या कहते हैं? सो दैट इज़ ट्रांसफरेजेस, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। अब ये जो क्लासेस हैं, जो सिक्स क्लासेस हैं, ये इनके फंक्शंस क्या हैं ये हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी सारे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 21 है कि कोलेजन इज़ फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट मोस्ट एबंडेंटली इन डैश। अब कोलेजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? हार्ट, कनेक्टिंग टिश्यूज़, न्यूक्लियस या फिर आर्टरीज। सो याद रखें कि इट इज़ सिंपल प्रोटीन्स और इट इज़ फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22 है, द स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट फिट्स ऑन द एंजाइम सरफेस एंड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश। अब यहाँ पे देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, अब इसमें ये जो बाइंडिंग साइट है इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? रिएक्टेंट। अब इसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है? ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट इसको कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट या फिर इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट और एंजाइम जो है वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो अब ये कह रहा है कि वो मेटाबोलाइट या सब्सटेंस जो कि एंजाइम के ऊपर फिट होता है उसके सरफेस के ऊपर और वो रिएक्टेंट किधर कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको क्या कहते हो? सो दैट इज़ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, हमारे पास क्या होता है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है जिसको आप वैसे रिएक्टेंट कहते हो, ठीक है, और ये हमारे पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। नंबर 23 हमारे पास है हेमोग्लोबिन इज़ अ डैश। हेमोग्लोबिन, अब इसको थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था जो प्रोटीन्स की हम बात कर रहे थे तो उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि इसकी ये एबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी होती है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है बॉडी के अंदर। नंबर 24 हमारे पास है फॉस्फोप्रोटीन्स कम्स अंडर द टाइप ऑफ प्रोटीन। अब फॉस्फोप्रोटीन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, हिंस ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब फॉस्फोप्रोटीन जो है इट इज़ कॉन्जुगेटेड विद डैश, फॉस्फोप्रोटीन जो है इसकी कॉन्जुगेशन किसके साथ हो रही होती है? इज़ कॉन्जुगेटेड विद फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन की जो कंजुगेशन होती है फॉस्फोरिक एसिड के साथ हो रही होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दैट इज़ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 25 है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेजेस। अब हाइड्रोलेजेस की एग्जाम्पल कौन सी है? एक हमारे पास एमाइलेज है, दूसरा हमारे पास लाइपेज है, हिंस ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट। अब एमाइलेज क्या है? ये हाइड्रोलेजेस है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो लाइपेज है ये भी एग्जांपल किस चीज़ की? हाइड्रोलेजेस की। एमाइलेज का फंक्शन क्या है कि ये स्टार्च जो है
ठीक है, स्टार्च को किधर कन्वर्ट कर रहा होता है, शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये इसका बेसिक फंक्शन है। और ये जो दूसरा है लाइपेज, इसका फंक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई ग्लिसराइड्स, ठीक है, लिपिड्स हैं, इनकी हाइड्रोलाइसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 26 है कि सक्सेनिक थायोकाइनेज इज इन एंजाइम ऑफ द टाइप। अब सक्सेनिक थायोकाइनेज कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, सो दैट इज़ एक्चुअली लाइगेज, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, लाइगेज है, हिंस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। और जो लाइगेज होता है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की मदद से लिंक्ड हुए हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल हैं ए और बी, इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अगर ये इनको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, दीज एंजाइम लिंक टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये बीच में टूट गए और ये दो और मॉलिक्यूल हैं लाइक ए और सी, इन दोनों को क्या कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, एक जगह पे बॉन्ड को तोड़ते हैं, दूसरी जगह पे दो मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं, सो दैट इज़ व्हाट दे आर नोन एज लाइगेज। लाइगेज वैसे होते भी क्या है, बांधना, ठीक है, ये दो चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, बांध रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 27 है कि ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट। अब हाइड्रोलाइसिस भी है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस भी है, आइसोमेरेजेस भी है, लेकिन अगर नहीं है तो वो म्यूटेजेस है। म्यूटेजेस जो है इट डोंट बिलोंग टू एनी क्लास ऑफ एंजाइम। बाकी सिक्स के नेम आपको मैंने बता दिए। 28 हमारे पास है इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फोटेज इज़ अ साइन ऑफ डैश। अब एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फोटेज, अगर बॉडी के अंदर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो अमाउंट है, अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास कौन सी ऐसी बीमारी है जो पॉसिबल है बॉडी के अंदर, सो दैट इज़ रिकेट्स, ठीक है, बोन्स की बीमारी है ये हो सकती है, या फिर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हो जाए तो ये डिजीज़ हो सकती है। 29 हमारे पास है एल एस्पायरोजेनेज इज़ हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डैश। अब ये जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको एंजाइम है, इस ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है, मतलब कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं उसकी क्योर के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, सो दैट इज़ बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, हिंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। नंबर 30 हमारे पास है द एंजाइम दैट कैटलाइज द एडिशन आर रिमूवल ऑफ इमोनिया। तो अब ऐसे एंजाइम जो कि इमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है, सो उसको आप क्या कहते हो, सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए लाइएजेस। लाइएजेस का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें कोई डबल बॉन्ड है, वहाँ पे आपने अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड करना है, या फिर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है या रिमूव करना है, तो इसका बेसिक फंक्शन कौन कर रहा होता है, दैट इज़ लाइएज एंजाइम। नंबर 31 हमारे पास है कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो हम लोगों ने पहले इससे पहले भी देख लिया कि ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको मेंटेन करके कौन रखता है, इनको मेंटेन करके हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है, ठीक है, इससे पहले आपको मैंने बताया कि ये जो नाइट्रोजन है और कार्बन है, ठीक है, ये जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे NH2 ग्रुप और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है, ये दो टाइप के ग्रुप होते हैं। अब इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि इनको मेंटेन करके रखती है, हिंस ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। 32 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। अब इसमें से बताएं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एंजाइम की नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी, हर जितने भी मैक्सिमम जितने भी रिएक्शंस हैं हर के लिए अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, तो ये बात ठीक है। एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है एंजाइम की, और 10^20 टाइम्स जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मिनिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब अगर आप इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दोगे तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। अगर आप इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है अगर वो दोगे तो एंजाइम की जो रिएक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम होगी, इन्होंने मिनिमम लिखा हुआ है, तो अगर मिनिमम लिखा हुआ है सो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम।
33 हमारे पास है एंजाइम कंसिस्ट ऑफ डैश। एंजाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। प्रोटीन पार्ट कौन सा है और नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटीन जो है दैट इज़ एपो एंजाइम पार्ट, और नॉन प्रोटीन पार्ट के अबाउट हम लोग पढ़ चुके हैं कि दैट इज़ को फैक्टर, या इसको आप को एंजाइम भी कहते हो, को फैक्टर, या इसको आप को एंजाइम भी कहते हो। नंबर 34 में हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन लूज़ देयर एबिलिटी टू वर्क। अब प्रोटीन कब अपनी एबिलिटी जो है वो लूज़ कर देता है? तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होना चाहिए? बस स्लाइट हीटिंग, बाय स्लाइट कूलिंग, या बाय चेंज इन स्ट्रक्चर, या विन इनसाइड द बॉडी। देखो प्रोटीन की जो नेचर है वो कब डिनेचर होगी, कब वो ख़राब होगा? जब आप उसका पीएच जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ करोगे, जब आप उसको हीट कर दोगे, ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर उसका बहुत आप ज़्यादा कर देते हो तो उस वजह से उसकी जो डिनेचरेशन है वो हो जाती है। या फिर अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट आप इसके अंदर ऐड कर दे तो इसकी जो एबिलिटी होती है काम करने की वो ख़त्म हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है बाय स्लाइट हीटिंग की वजह से हमारे पास जो प्रोटीन है अपना काम छोड़ सकता है। नंबर 35 द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड कैन एज्यूम इज। अब सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन से प्रोटीन का होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वार्टरनरी का? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ क्वार्टरनरी, ठीक है। 4 डिग्री स्ट्रक्चर जो हमारे पास है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन। इसमें क्या होता है 3 डायमेंशनल फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ पॉली पेप्टाइड्स। नंबर 36 हमारे पास है एन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटीन। अब इसमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होती ही हैं, लेकिन बीच में आयोडीन दिया हुआ, आई इज़ आयोडीन, तो ये प्रेजेंट नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि एसेंशियल पार्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 37 है एमिनो एसिड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज़ ए कंबाइंड बाय डैश। अब कहते हैं एमिनो एसिड हैं, उन्होंने आपस में रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? एडिशन ऑफ वाटर तो पॉसिबल नहीं है, रिमूवल ऑफ एमोनिया भी नहीं है, एडिशन ऑफ एमोनिया भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जहाँ पे हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया तो वहाँ पे क्या चीज़ रिमूव हो रही थी? वाटर मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। 38 हमारे पास है प्रोटीन हैव लिंकेज बिटवीन एमिनो एसिड। प्रोटीन्स के बीच में जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है? एमाइड होती है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, क्यों? क्योंकि हमारे पास NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, NH2 ग्रुप यही हमारे पास क्या कर रहा होता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट हमारे पास 39 है कि ऑक्सीडेज इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश। अब ऑक्सीडेज किसकी एग्जांपल है? आई थिंक सो इससे पहले कि MCQ भी हमारे पास रिपीट हो गया था, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ऑक्सीडो रिडक्टेज की में एग्जांपल जो है वो ऑक्सीडेज है। और उसके बाद डीहाइड्रोजनेज या पर ऑक्सीडेज, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज की, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 40 है कि सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट हैज़ ओनली कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन अमीनो एसिड। अब सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बताएं प्रोटीन्स का जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्ड मीन जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी, इसमें से कौन से वाला ऑप्शन होगा? सो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, सिंगल बॉन्ड होता है। सो इसलिए हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड है। बाकियों के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी पॉसिबल होती है, इनफैक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 41 में हमसे क्या पूछ रहा है कि यूवी रेज जो होती हैं वो डीएक्टिवेट कर देती हैं एंजाइम को, उसकी वजह पूछ रहा है हमसे। सो ऑप्शन नंबर ए चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी दे ऐड प्रोस्थेटिक ग्रुप टू देम। ऑप्शन नंबर सी दे इंक्रीज देयर स्पेसिफिसिटी, या फिर इफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जब आप यूवी रेडिएशंस पास करोगे
एंजाइम से, तो क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है उसको इफेक्ट कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 42 हमारे पास है, इन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इज़। अब रेगुलेटरी प्रोटीन्स की एग्जांपल हमारे पास कौन सी हो सकती है, इंसुलिन भी हो सकती है और थायरोक्सिन भी हो सकती है, थायरोक्सिन या फिर इंसुलिन हो सकती है। ठीक है, अब थायरोक्सिन क्या है, ये हमारे पास एक हार्मोन है दैट इज़ सिक्रेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ हार्मोन है दैट इज प्रोड्यूस्ड या सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, मतलब ब्रेकेज ऑफ फूड जो है, मेटाबॉलिज्म करते हैं, हर्ट रिएक्शंस को देखते हैं, उसके बाद मसल्स फंक्शन होंगे, ब्रेन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ बोन, ये सारे के सारे क्या इनके रेगुलेटरी प्रोटीन्स के फंक्शंस होते हैं। 43 हमारे पास है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर डैश। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हैं दीज आर नॉन प्रोटीन पार्ट्स अटैच टू द एंजाइम। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। सो नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो होती हैं दीज आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। सो दीज वर द 43 MCQs जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम एक दूसरी अकेडमी की मेरे पास बुक है, उसके MCQs मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद IIM केमिस्ट।